हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्किन को हम ग्लोइंग और पोरलेस तो बनाना चाहते हैं और जिस वजह से बहुत कुछ ट्राई भी करते हैं, पर स्किन जितना भी फेयर क्यों ना हो जाए, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम से स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। तो सबसे फर्स्ट हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने स्किन से ओपन पोर्स करके एक पोरलेस स्किन बनानी होगी, तभी हमारी स्किन ब्यूटीफुल और ग्लोइंग दिखेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्किन को हमेशा के लिए पोरलेस और ग्लास स्किन टाइप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए फिर वीडियो को देख लेते हैं। इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाएं। स्किन ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। हमें स्किन से ओपन पोर्स को हमेशा के लिए दूर करने के लिए सबसे पहले अपनी स्किन को मुल्तानी मिट्टी से साफ कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक खाली बोल में मुल्तानी मिट्टी लेनी है और इसमें रोज़ वाटर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके थिक सा पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट को अपने पूरे फेस पे लगा के 1 मिनट तक मसाज करना है और फिर 20 मिनट के लिए रख देना है। फ्रेंड्स, आपको इस पेस्ट को पूरा ड्राई नहीं करना है, बस थोड़ा ड्राई होते ही हाथों को इस तरह से गीला करके और फिर गीले हाथों की मदद से चेहरे को इस तरह से टैप टैप करके मसाज कीजिए। एक दो मिनट मसाज करने के बाद चेहरे को इस तरह पानी से धो लीजिए। ये मुल्तानी मिट्टी से बना हुआ फेस वॉश एक बेहतरीन रेमेडी है ओपन पोर्स को दूर करने के लिए। सेकेंड, हमें एक पैक बनाना है। फ्रेंड्स, पहला तो मुल्तानी मिट्टी और दूसरा है बेसन, जो हमारी स्किन से पोर्स को हमेशा के लिए दूर करने में मदद करेगा। बेसन एक ऐसी चीज़ है जो स्किन से सारे इम्प्योरिटी और ऑयल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिससे हमारे पोर्स अनक्लॉग्ड हो जाते हैं, साथ ही पोर्स मिनिमाइज भी हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले 2 चम्मच बेसन एक बाउल में लेना है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है टोमेटो पल्प। टोमेटो पल्प हमें इतना ही लेना है ताकि बेसन का एक थिक सा पेस्ट बन जाए। अब इस पेस्ट को लेकर अपने ओपन पोर्स वाले एरिया पर अप्लाई कीजिए। इसे आप अपने पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम तो दूर होगी ही, साथ ही में आपकी स्किन टोन 1 से 2 शेड लाइट भी हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसे भी अप्लाई करके आपने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और जब 20 मिनट हो जाएं और ये थोड़ा ड्राई हो जाए, इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, ये 2 रेमेडी अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन से सारे पोर्स पूरी तरह से मिनिमाइज हो जाएंगे और आपकी स्किन एकदम ग्लास स्किन दिखेगी। पर आपको हफ्ते में 3 बार इन 2 स्टेप्स को ट्राई ज़रूर करना है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।